ये बात तो आप और हम सभी जानते हैं कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला 18 से 22 जून के बीच इंग्लैंड के साउथैम्प्टन मैदान पर खेला जाएगा। वैसे इसे मुकाबला कहना भी गलत होगा क्योंकि यह है महामुकाबला और इस महामुकाबले में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। वैसे क्रिकेट दिग्गजों का ये भी मानना है कि इस कांटे की टक्कर के मुकाबले में कुछ हद तक न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी है क्योंकि न्यूजीलैंड के पास है वो सबसे बड़ी ताकत जो भारतीय क्रिकेट टीम के लिए राह में रोड़ा बन सकता है। कई सारे क्रिकेट दिग्गजों का ये मानना है कि ये मुकाबला 55-45 का होने वाला है। 55% न्यूजीलैंड के फेवर में तो 45% भारत के फेवर में क्योंकि न्यूजीलैंड के पास है उसकी सबसे बड़ी ताकत। लेकिन कितने भी क्रिकेट एक्सपर्ट न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी बताए लेकिन न्यूजीलैंड की यह सबसे बड़ी ताकत ही न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी कमजोरी है। जी हां, यह हम नहीं बल्कि कई सारे क्रिकेटर का भी मानना है। न्यूजीलैंड के लिए वो सबसे बड़ी ताकत ही मुश्किलें पैदा कर सकती है। न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी ताकत ही उसके लिए राह में रोड़ा बन सकती है। आखिर वो कौन सी बात है, आइए जानते हैं इसे खास रिपोर्ट में। हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है टीम इंडिया के बहुत ही बड़े फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं। न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी ताकत कैसे न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है? हालांकि क्रिकेट दिग्गजों का मानना है कि न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी जरूर है लेकिन भारत के एक दिग्गज खिलाड़ी ने बताया कि कितने भी दिग्गज खिलाड़ी न्यूजीलैंड के पलड़े को भारी बता रहे हैं लेकिन बावजूद इसके भी न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी ताकत ही सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी ताकत ही क्या है। यहाँ पे न्यूजीलैंड के पक्ष में दो बातें जाती है। पहली बात तो ये मौसम। जी हाँ, अगर बारिश रही और सर्दी का मौसम रहा और कुछ इस तरह का मौसम अभी भी वहाँ चल रहा है लेकिन कुछ दिन बाकी है, अगर मौसम परिवर्तन होता है तो ठीक है भारत के फेवर में रहेगा मौसम, लेकिन अगर मौसम में बारिश देखने को मिलती है तो न्यूजीलैंड के गेंदबाज और बल्लेबाजों को पूरी तरह से मदद मिलने वाली है क्योंकि उछलती हुई गेंदें, स्विंग लेती हुई गेंदें, ड्यूक बॉलें न्यूजीलैंड के फेवर में जाएंगी। और क्रिकेट दिग्गजों का मानना है कि इस तरह के मौसम में स्विंग होती हुई गेंदों को बड़े आराम से खेलते हैं न्यूजीलैंड के बल्लेबाज एज कम्पेयर टू इंडियन बल्लेबाज। अब आइए जानते हैं उस दूसरे पक्ष के बारे में। दूसरा पक्ष तो है लेकिन सबसे बड़ी ताकत तो यही है। न्यूजीलैंड के लिए एक ही बात होगी, कहीं पे निगाहें और कहीं पर निशाना। न्यूजीलैंड भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल में हराने के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले से ठीक पहले दो मुकाबले इंग्लैंड के साथ खेलने वाली है और न्यूजीलैंड की यही सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। ताकत ऐसे है कि न्यूजीलैंड के पास अनुभव होगा वहां का पिचों का और न्यूजीलैंड दो मुकाबले खेलकर काफी हद तक भारत के सामने डट कर खड़ा हो सकता है। इन दो मुकाबलों से एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने इसके उलटफेर में जवाब दिया है और उन्होंने बताया कि न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी ताकत ही उनकी कमजोरी बन सकती है। कैसे, आइए जानते हैं। सुनील गावस्कर ने अपने लेख में लिखा, कुछ लोगों का कहना है कि WTC फाइनल से पहले दो टेस्ट मैच खेलना कीवी के लिए एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा और इसकी मदद से वो कंडीशन के तालमेल बैठा लेगा और मैच के लिए तैयार हो जाएगा। दो टेस्ट मैच खेलने की फ्लिप साइड ये भी होगी, यानी नुकसान ये भी होगा, इंग्लैंड ये दोनों मुकाबले हार जाती है तो इसकी वजह से भारत के खिलाफ मैदान पर उतरते वक्त उनके मनोबल गिरा हुआ होगा और इस दौरान उनके कुछ अहम खिलाड़ियों को इंजरी या निगल भी हो सकती है। सुनील गावस्कर ने बात करते हुए कहा, दूसरा पहलू जो टीम इंडिया के पक्ष में काम करेगा वो एकदम फ्रेश होंगे, अच्छा प्रदर्शन करने के लिए बेताब होंगे और एक महीने के गैप के बाद अपने पसंदीदा स्पोर्ट को खेलने के लिए एनर्जी और उत्सुकता से उनके लिए किसी भी मैच प्रैक्टिस के लिए मेकअप से ज्यादा काम करेगी। अब आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि सुनील गावस्कर की बात में कितना दम है। मुझे तो बहुत ज्यादा दम लगता है और ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा।